सो गाइस क्या हालचाल, एक बार फिर से लाया हूँ फ्राई वाले बर्गर। आपने तो टोस्ट वाले बर्गर बहुत खाए होंगे, बट फ्राई वाले बर्गर सिर्फ आपको रामपुर में पनवड़िया में ही मिलेगा। गाइस कहा जाता है कि ये रामपुर का फूड एक तरफ और ये दोनों बाप बेटा का जोड़ा एक तरफ। गाइस कहा जाता है कि पीढ़ी बाई पीढ़ी इनका जो दुकान है, शॉप है, इनको चलाते हुए आ रहे हैं। आप इनका जो बर्गर बनाने का जो तरीका है, आपको एक 5-स्टार होटल में भी आपको ऐसा रेसिपी नहीं मिलने वाला है। आप देख सकते हैं बर्गर के अंदर ये सॉस से लेकर के सारा कुछ, इनका जो मसाले होते हैं वो खुद का हैंडमेड होता है। इनकी मसाले की बात करें ना तो इनका मसाला ये खुद का बनाया हुआ लेकर के आते हैं, सेक्रेट मसाला, जो कि बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं। और शाम का सिर्फ 2 घंटे का ये टाइम देते हैं ठेले पे, 2 घंटे के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा एक रौनक ले आकर के आते हैं दोनों बाप बेटा है। और बहुत ही ज़्यादा लोगों का यहाँ पे क्राउड भी होता है, लोग इनके रेसिपी को पसंद भी करते हैं। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी है, कितना साफ़ सफाई के साथ ये बर्गर बनाते भी हैं और बहुत ही अच्छा है। बिजनेस भी हमसे रहा नहीं गया, इनका जो रेसिपी बनाने का इतना अच्छा तरीका है और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे भी रेसिपी। मैंने भी फटाफट एकदम से एक बर्गर मैंने इनसे पैकिंग करवा लिया और मुझे यहाँ पे खाना था नहीं, मुझे एक्चुअली ज़्यादा लेट हो रहा था, शूट के लिए कहीं और भी जाना था, इसके वजह से हमने फटाफट ये बर्गर यहाँ से इनके पास से पैकिंग करवाया और पैकिंग करवा करके लेकर के आ गया। तो गाइस अगर आपको भी कभी आना हो इनके पास तो प्लीज़ आप जा सकते हैं। और ये रामपुर से पहले ही है जिनका, जगह का नाम पनवड़िया है, और शाम को सिर्फ इवनिंग में आपको 2 घंटे ये शॉप लगा करके रखते हैं। तो गाइस ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बाप बेटा के लिए एक लाइक तो जरूर बन।